मोहेरा था और हमेशा उल्लू बनाओ थे बस यही सब करे तो तोरे पास और कोनो क्वालिटी का ही पकड़े स्थान है और यहाँ दर्शन के बाद छोटे मोटे पाप सब माफ हो जाते हैं। उल्लू बना रहे हैं, चुपका रहता है, कांटा निकालने के लिए हमें चिंता मत करो, चलो बस करो। ये देखो यहाँ पर तो सबसे पहले हम आपको इस स्थान का परिचय कराने जा रहे हैं, जो हम आपको स्थान दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यह स्थान विंध्य क्षेत्र के रमणीय स्थलों में से एक माना जाता है और अमरावती चौराहा से जब आप देवरहवा बाबा की तरफ बढ़ेंगे तो भवानीपुर एक गाँव है जिसमें ये जय हनुमान धारा के नाम से यह स्थान काफ़ी प्रचलित है और आप देख रहे हैं कि निरंतर इस जल स्रोत में जल का प्रवाह अनवरत रूप से बना रहता है और कभी भी ये सूखा नहीं होता, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की ये मान्यता है। इस स्थान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि ये दिखाएं कि देखिए चारों तरफ किस तरीके से ये पहाड़ों का अटूट श्रृंखला है और इस पहाड़ को विंध्य श्रृंखला के नाम से ही जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दूर दूर तक इसकी श्रृंखलाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। विंध्य क्षेत्र के इस विंध्याचल क्षेत्र से यह विंध्य पहाड़ी की अपनी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक विशेष महत्व भी है। कहा यहाँ तक जाता है कि यहाँ के पत्थरों को यदि आप ले जाकर मंदिरों में रखें तो प्राण प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ का एक एक पत्थर एक एक कण पूजनीय होता है। ऐसा तमाम श्रद्धालुओं के जुबान से आप आसानी से सुन सकते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष इस वक्त आम के बौर से बिल्कुल भरा पटा है, इसमें आपको पत्तियां कम दिखाई देंगी और सीधे सीधे इसमें आपको वो फल रूपी बौर देखने को मिलेगा जो अत्यंत रमणीय है। समूचा ब्रह्मांड को रेखांकित करने वाले ये मध्य क्षेत्र विंध्य क्षेत्र जो हनुमान धारा के नज़दीक अत्यंत ही रमणीय पूजनीय सराहनीय और नैसर्गिक स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मैं वीरेंद्र गुप्ता दूसरी बार आपको फिर कहीं किसी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र से रूबरू कराएंगे जो आपने शायद ही देखा हो। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, मिर्जापुर न्यूज़ के लिए।